एक दिन मैं स्कूल पार्टी से वापस आ रहा था। मैं अपने दोस्तों के साथ था और मैं 20 साल का था। हम सब इतने नशे में थे कि हमें पता ही नहीं था कि हमारा हुआ ड्राइवर हमें कहाँ ले जा रहा है। वो हमें आगरा के ताजगंज वाले रोड से ले गया और कार में मौजूद हर कोई जानता था कि इस रोड के पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाली कहानी है। हमें परवाह नहीं थी क्योंकि हम सभी नशे में थे और सुबह के 3 बज रहे थे। हम बस घर जाना चाहते थे। तभी रोड पर खड़ी एक लड़की दिखी तो ड्राइवर सड़क के किनारे रुक गया और उस लड़की को अंदर आने दिया। वो कार के पीछे की सीट पर बैठ गई और उसने बोला कि मेरा नाम मैरी है। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो उसने व्हाइट ड्रेस पहनी थी। उसकी वो व्हाइट ड्रेस देखकर हम डर गए। तभी वो बोली कि उसके पति ने उसे शादी की रात को ही छोड़ दिया था और वो बोली कि मैं 3 घंटे से इस सुनसान सड़क पर इधर उधर अपने पति को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ पर अंधेरा होने की वजह से मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रही। जब मैंने उसे अच्छी तरह देखा तो मैं कांपने लगा क्योंकि वो खून के आंसू रो रही थी। मैंने अपने दोस्त अमन को उस ब्लडी मैरी के बारे में बताया कि यह वही सड़क है जहाँ उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। फिर उसने घूरते हुए मेरी तरफ देखा और उसने पूछा कि क्या हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इतना सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हमने उस ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा लेकिन वो बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अभी मैरी ने हमें हमारे नाम से पुकारा और रोना शुरू कर दिया। हम सब डर गए क्योंकि हम में से किसी ने भी अपने नाम उसे नहीं बताए थे। अब कार में मेरे अलावा हर कोई रो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम पूरी रात से इस गाड़ी में बैठे हुए हैं लेकिन अभी सिर्फ कुछ ही देर हुई थी पर थोड़ी ही देर में बाहर उजाला हो गया। फिर हमने पीछे मुड़कर देखा तो सीट पर कोई नहीं था। वो एक बुरी आत्मा थी वो उस सड़क पर सालों से भटक रही थी। सुबह होते ही वो बुरी आत्मा गायब हो गई थी। अगली सुबह नहाने के बाद जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मेरी गर्दन पर उस ब्लडी मैरी के नाखूनों के निशान